जीवन के इस पड़ाव को हम तेरे आशीर्वाद के बिना पार नहीं कर पाएंगे। पंडित जी ने कहा था माजी, मैं अनु यहाँ परिक्रमा कर रही है। अच्छा, इस लड़की के पैर से खून बह रहा है फिर भी चलती जा रही है। हमारी बच्ची के मन में कितनी श्रद्धा और भक्ति है ना सोहिनी, तभी तो अजनबी भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो कर रहे हैं अम्मा, पर अपनी बच्ची की नहीं, कौन और की बच्ची की। अपनी बच्ची की तो अपनी लड़की के पाँव तो शायद जवाब दे गए। ये तो मिश्री है ना भाभी, आप मिल चुकी हैं मिश्री से। बहुत प्यारी है, सबका इतना ध्यान रखती है, कितने मन से परिक्रमा कर रही है कि अपना दर्द तक भूल चुकी है। आजकल के जमाने में इतने साफ दिल के लोग कहाँ मिलते हैं माँ जी। इनके घर वालों ने तो इन्हें सिखाया नहीं है, और हम कब से ट्राई कर रहे हैं कि इनको सॉरी बोलना सिखाएं, लेकिन यह है कि समझ ही नहीं रहे। अगर ये लड़की साफ दिल की है तो चोर डाकू और बदमाश तो संत हो गए ना। बड़े छोटों का लिहाज नहीं है इसको, बात बर्ताव करना नहीं जानती। यहाँ हम आए थे शुभ काम के लिए और हमारा दिन खराब हो गया। माँ रहने दीजिए ना। खैर, हम इसके बारे में सोच के अपना मूड और खराब नहीं करना चाहते। शादी का जोड़ा कहाँ है? अनु ने पंडित जी को दे दिया है, वो तो पूजा शुरू करने वाले ही होंगे। कहाँ गए जोड़े? यहाँ तो शादी के दो जोड़े थे, किधर रख दिए? अरे दोनों बच्चियां तो उधर है, फिर शादी का एक जोड़ा कैसे? हे माँ, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ये दोनों बच्चियां आपका आशीर्वाद लेने आई थी, अब तू ही कोई चमत्कार कर माँ। तो किसी की शादी का जोड़ा दिख रहा है। पंडित जी को देख के आती हूँ। इसकी श्रद्धा और विश्वास सब दिखावा है, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद इसके दिखावे को नहीं, हमारी अनु और उसके जोड़े को ही मिलेगा। बुढ़िया की वॉक में इतनी एनर्जी, मैं पकड़े तो नहीं गई? पापा, इनमें से आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी, ये ग्रीन वाली या पिंक वाली? बेटा, जो भी ड्रेस तुम पहन लोगी तुम पर अच्छी ही लगेगी। आप मेरी कुछ फोटोज क्लिक कर दीजिए ना, मैं पोस्ट करती हूँ। मुझे सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है, लोगों को जलाना है, दिखाना है। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। ठीक है। बेटा, कोई साक्षी है? हमारी दोस्त है? हाँ, आश्रम में मेरे साथ ही रहती थी। मैं बस एक मिनट में आती हूँ। हेलो मैडम जी, नमस्ते। हाँ देवी जी, आजकल तो फोन पर भी दर्शन दुर्लभ हो गए तुम्हारे। नहीं नहीं मैडम, वो मैं साक्षी महारानी ने खुद फोन लगाया है तुम्हें।
इसीलिए मुंह बंद और कान खुले। तुम्हारे स्वामी जी के केस में कोर्ट ने परसों की तारीख दी है। पर वो केस तो खत्म हो गया था ना। तुमने अपना बयान बदला तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और हाँ, ध्यान रखना, दोबारा फोन ना करना पड़े। अनु बेटा, सब ठीक है ना? हाँ। नकली आंसू बहाने स्टार्ट कर बेटा, वरना असली रोना पड़ जाएगा। पापा, आपने आश्रम और मेरे बाबा स्वामी जी के केस के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ। मैं उस केस की आई विटनेस हूँ। और परसों सुनवाई है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उसमें परेशानी की क्या बात है? सच बोलने में किस बात का डर? पर कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुझे बहुत डर लगता है पापा। बेटा, डरते वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। मिश्री पक्का इसी की बेटी है, दोनों ज्ञान देने में सबसे आगे। मेरा बयान सच्चा है, पर मुझे कोर्ट नहीं जाना है। प्लीज पापा, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। हाँ भाई, बेचारी कैसे डर रही है। भाई साहब, आपकी तो इतनी सारी जान पहचान है ना, प्लीज उसकी हेल्प कीजिए ना। प्लस कुछ ही दिन में सगाई और शादी भी होने वाली है, और मेरी वजह से अर्जुन और उसकी फैमिली का नाम खराब होगा, है ना चाची? और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम हो, सब लोग प्रॉब्लम में आ जाए। नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं क्या करूं? अच्छा बस कर रोना, तेरे पापा है ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू पापा। साक्षी और मिश्री मेरी जिंदगी से जाएगी और स्वामी को फांसी हो जाएगी, फिर मैं अवस्थी निवास पर राज करूंगी।